ये खोद है गाइस शकरकंद अभी तक। तो गाइस खोद रहा हूँ शकरकंद और ये इतना एक ही तगारी शकरकंद खुद आया गाइस। इस तरह से खोद रहा हूँ, इस तरह से ये निकल रहे हैं गाइस शकरकंद इस तरह से। ठीक है गाइस, हमारी चंदा बो अभी आ चुकी है गांव से। तो गाइस मैं सांस ले रहा हूँ, मेरी दादी तो दिन भर खोदती है शकरकंद फिर भी थकती नहीं है गाइस। विपिन पीछे खड़ा है देख रहा है ये भी कैसा गर्म कैसा खोदते। मेरी बुआ आ चुकी है। क्या लाई बुआ? कुछ ना कुछ लाई क्या? अरे जीजो राने ना पाले ना। कितनी दूर से आती है मेरी बुआ? पैदल ही आई, 3-4 किलोमीटर गई पैदल पैदल पैदल, मतलब 4 किलोमीटर दूर से आई गई। बिस्किट लाई गई बिस्किट। ओहो माय गॉड, जीजो लो पाले ना। बिस्किट लाई तारा जीजो। अरे तारा मम्मी तो गई उठी पाची गाइस। प्रसाद भी लेके आई बुआ, बिस्किट भी लेके आई, पानी के बोतल, अमरूद यहाँ पे तोड़े हैं, चॉकलेट भी लाई, नींबू मस्ती वगैरह जाने के लिए चीजें लेके आई। गाइज विपिन रो रहा है मोबाइल के लिए, देखो आप कितनी बुरी तरीके से रो रहा है। देखो इस वीडियो में रो रहा है, कीड़े मकोड़े का दाया अलग ये रो रहा है। देखो उठिए बेटा उठिए, रो रहा है बेचारा। क्या हुआ कि ये मोबाइल लेके भाग रहा था और इसकी छोटे बच्चों की बैलगाड़ी होती गाड़ी उसको लेके भाग रहा था और मैंने पकड़ा ना जो इसके बस पे कूद गया नीचे, यानी कि इसकी जान कर रहा है और रो रहा है। इसकी मम्मी को भी याद आ रही क्योंकि मम्मी गई ना इसकी उसके पीर में, इसलिए तो पड़ा है। देखो यहाँ पर क्या है, कीड़े मकोड़े का भी दाया है, कीड़े मकोड़े आ जाए चक्कर है, पर रो रहा बेचारा। ऐसे खोते हैं शकरकंद के कुदाला। देखो निकल गया, देखो गाइस ये निकल गया। ठीक है ये निकल गया, ये निकल गया, इसमें फेंकते हैं। आलू टमाटर बना लूँ ना। फाइनली गाइस चाय आ चुकी, चाय पी रहा हूँ। फिर नीचे रो रहा है, चाय पी रही है और चाय पी रहा हूँ मैं भी। गाइस ऐसे खोदते हैं शकरकंद, ये देखो कितने सारे निकले हैं। ये ज़्यादा नीचा नहीं है, ऊपर ही है, ज़्यादा गहराई में नहीं है गाइस शकरकंद। देखो इसमें डाल दिए ये वाले। ठीक है गाइस देखो, तो ज़्यादा गहरा नहीं है शायद। गाइस ये क्या है, मिट्टी के अंदर ऐसे खोदते हैं, हल भी चला सकते हैं। ये वाला मोटा, ठीक गाइस दिख गया ये वाला। तो गाइस लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। होते हैं ये निकला, ये शकरकंद शूट पोटैटो। देखो आप इसको होते हैं हम, ये शकरकंद ज्यादा ऊंडो भी ना लगानी चाहिए। ठीक है गाइस जी वाला ये है, ऊंडो लगा हुआ, ऊंडो लगा दिया। ये शकरकंद ऊंडो लगा पड़ा, ये देखो आज खोद रहे हैं शकरकंद। ये पट्टी भरी एक ही और ये पेल्डी। तो गाइज ये है शकरकंद, ये भी शकरकंद है गाइज। देखो आप स्वीट पोटैटो। तो गाइज ये देखो कैसा शकरकंद, ये यानी कि फूट चुका है, यानी उग रहा है ये। तो गाइज इतनी सारी जगह खोद ली गई वहाँ से यहाँ तक 3-5 मीटर दूर तक। देखो गाइस यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, आज न्यू ईयर भी है जो आवाज़ आ रही है। देखो आप देखो हम यहाँ काम कर रहे हैं, कितना सुंदर और कितनी शानदार नज़ारा है आज का।
फाइनली गाइस ये घर पे ले जा रहा हूँ कट्टा शकरकंद का। देखो आप वहाँ से लाया हूँ, टकर रख लिया मैंने सिर पर। ये शकरकंद धोना है मुझे, पानी कम। मम्मी भी काम कर रही है, शकरकंद धुल चुके हैं। शकरकंद धो लिए सारे, इनको ले जाना है बाजार में। ये बड़े बच्चे कुछ है शकरकंद। हाँ।